एक वायरस ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया है। हम सभी ने ऐसा संकट न देखा था न ही सुना था। ये संकट अभूतपूर्व है, लेकिन इस संकट से न थकना है, न टूटना है और न ही हारना है। सतर्क रहते हुए इस लड़ाई के सभी नियमों का पालन करते हुए हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने अपने वर्चुअल संवाद में कही। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मेक इन इंडिया अब सपना नहीं, एक साकार होती सच्चाई है विषय पर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मनोज सिन्हा ने बतौर मुख्य वक्ता लोगों को संबोधित किया। आइए पहले उनके इस संवाद के कुछ क्लिप्स देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों कई संवाद देश के लोगों से किए, विभिन्न लोगों से किए, और उसमें उन्होंने एक बात कही कि जान भी जहान भी, जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक मुझे लगता है कोरोना के साथ हमें कैसे जीना है ये हमें सीखना होगा। और जो संकट आया है पूरी दुनिया पर, पूरे देश पर, मैं समझता हूँ न ऐसा हम सब ने देखा था और न ही सुना था। अर्थव्यवस्था जिन देशों की बड़ी मजबूत रही है वो भी चरमरा गई, तो हमें अपने को बचाते हुए देश को आगे ले चलना है। और मुझे लगता है कि अगर आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया था राष्ट्र के नाम, उसमें उन्होंने बात कही थी कि हमें तमाम सावधानियों को बरतते हुए खुद को बचाना भी है और देश को आगे बढ़ाना भी, उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इस संकट के समय हमें समझ में आया है कि स्थानीय उत्पादों का महत्व कितना है। जब यह संकट शुरू हुआ था तो हमारे देश में न मास्क N95 मास्क के उत्पादन की क्षमता थी, न हम PPE किट बनाते थे, न वेंटिलेटर बनाते थे। भारत के लोगों में कितनी मेधा है, कितनी प्रतिभा है, अगर हम ठान लें, हम तय करें, तो मुझे लगता है कुछ भी ये संभव नहीं है। हमारी जो संकल्प शक्ति है उसके कारण आज हम 3 लाख से ज़्यादा PPE किट बना रहे हैं। सस्ते दरों पर वेंटिलेटर बनाने का काम हमारे देश के युवा वैज्ञानिकों ने प्रारंभ कर दिया है, चाहे वो DRDO हो या IIT के हमारे तमाम नौजवान हों, इन्होंने अनेक प्रकार के पिछले 3-4 महीनों में आविष्कार किए हैं। वहीं मास्क केवल हम देश में बना नहीं रहे हैं बल्कि दूसरे देशों को भी देने की स्थिति में आ गए हैं। पिछले 3-4 महीनों में जो क्षमता, जो सामर्थ्य देश की उभर करके आई है, मैं समझता हूँ पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मंत्र रहा है, इस संकट की घड़ी में भी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के दूसरे देशों को जरूरी दवाओं को दे करके मानवता की एक नई मिसाल पैदा की है। और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत ये समय की आवश्यकता है। हमारा आत्मबल और हमारा संकल्प, अगर संकट बड़ा है तो मुझे लगता है देश 130 करोड़ देशवासियों का अपने नेता के साथ संकल्प भी उससे ज़्यादा बड़ा है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस चुनौती पर हम विजय भी पाएंगे, इस संकट को हम पराजित भी करेंगे। और जो बात कही जाती थी कि कैसवीं सदी भारत की सदी होगी, वो लक्ष्य भी हम प्राप्त करेंगे। देखा आपने, मनोज सिन्हा ने कहा कि आज जब संकट बड़ा है तो हमको इस संकट में भी मजबूत संकल्प लेना होगा। हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि सदी को भारत की सदी बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। उन्होंने अपने संवाद में आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी जिक्र किया है। कहा कि आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं, जिसमें पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा SYS टीम, चौथा डेमोथेरेपी और 5वां डिमांड है। देश की मिट्टी की महक और हमारे श्रमिकों की खुशबू से 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज GDP का 10% देश की विकास यात्रा को तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगा। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने और भी कई बातें गिनवाई। मालूम हो कि मनोज सिन्हा के इस वर्चुअल संवाद को जूम ऐप पर होस्ट किया गया था, जिसमें देखते ही देखते भारी संख्या में लोगों ने जुड़कर उनकी बातों को सुना। गाजीपुर में जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्तिक गुप्ता ने प्रसारण में सहयोग किया। संचालन त्रयंबक त्रिपाठी एवं प्रस्तावना अशोक कटारिया जी ने किया। ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।